गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। लास्ट डे वी हैव डिस्कस मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाई इलेक्टेड लीडर और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो भी मुख्य डिसीजन है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिया जाना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। यदि ऐसा नहीं होता है तो सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्शन के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ इलेक्शन बाई विच वे वी कैन से दैट कंट्री इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हम चुनाव के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। दैट हैज़ बीन गिवन टू एग्जाम्पल इन योर बुक। चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है और मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया गया है। इन दोनों एग्जाम्पल में यह बताया गया है इलेक्शन के आधार पर कि बोथ कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन यू से, यहाँ से क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन यू से चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इन पास्ट नहीं, प्रेजेंट में भी हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हो कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो सबसे पहले जो बुक में दिया हुआ है वह समझना है। इन चाइना, चाइना में आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स यानी प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद इलेक्शन इज हेल्ड, चुनाव प्रायोजित किया जाता है, चुनाव होता है एवरी फाइव ईयर्स फॉर द कंट्रीज पार्लियामेंट, उस देश की संसद के लिए। द नेम ऑफ दैट पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट का नेम क्या है चाइना के, तो उस देश के संसद का नेम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। हम लोग अपने कंट्री में उसे संसद कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, तो वहाँ पर उस संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। इसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्रत्येक पाँच सालों पर चुनाव होता है। प्रत्येक पाँच साल पर कितने सदस्यों का चुनाव होता है, तो 3000 मेंबर का इलेक्शन होता है। अपने देश में तो 545 का ही होता है, लेकिन इन चाइना 3000 मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स कांग्रेस चूज प्रेसिडेंट, अपॉइंट प्रेसिडेंट, और वह नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है प्रेसिडेंट का भी चुनाव करती है, उनको भी नियुक्त करती है। आगे चला जाए, द मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, यानी पूरे चाइना से 3000 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। दूसरा पॉइंट, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम आर्मी, उस असेंबली के लिए कुछ सदस्यों का चुनाव आर्मी से भी किया जाता है, आर्मी से भी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए एनी कैंडिडेट नीड अप्रूवल टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो निर्दलीय नहीं वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑन द बेस ऑफ पार्टी बेसिस के आधार पर ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और वह भी किस पार्टी से बिलोंग करना चाहिए उस व्यक्ति को, तो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करना चाहिए। और बैक हैंड अदर 8 पार्टीज या उसके कुछ पार्टियां हैं, 8 अलग अलग पार्टियां जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उस कम्युनिस्ट पार्टी की, उस सहयोगी पार्टियों का सहयोग होना चाहिए, उसका अप्रूवल होना चाहिए, या कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होना चाहिए फॉर एनी कैंडिडेट फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, किसी भी कैंडिडेट को। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी एलाइड टू, यानी उसकी 8 सहयोगी छोटी छोटी पार्टियां जो कम्युनिस्ट पार्टी की सहयोगी पार्टी है, उन पार्टियों का अलाउ या अप्रूवल होना चाहिए चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन दैट कंडीशन एनी पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तभी वह व्यक्ति उस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं तो वह व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जैसे अपने देश में है कि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाता है किसी भी पार्टी से, वह कई पार्टियाँ चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है, राजद भी करती है, जदयू, बहुत सारी पार्टियाँ पार्टिसिपेट करती है चुनाव,
लेकिन वहाँ पर ऐसी बात नहीं है। ओनली वन पार्टी कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और एक ही पार्टी की हमेशा गवर्नमेंट होती है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती है। इन दिस कंडीशन वी कैन से चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। इन तीन पॉइंटों के आधार पर हम बतला सकते हैं कि चाइना जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। दूसरा हमें देखना है मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको देख लो, मैक्सिको कहीं पर होगा, मैक्सिको होल इलेक्शन, मैक्सिको में जो इलेक्शन होता है आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, प्रत्येक 6 सालों के बाद वहाँ पर इलेक्शन होता है, बट ओनली वन पार्टी, सेम पार्टी एवरी टाइम, प्रत्येक बार जब से वह देश आजाद हुआ तब से एवरी टाइम वन पार्टी विन इलेक्शन, एक ही पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतती है, और उस पार्टी का नेम है PRI। बुक से ही देखा जाए ऐसे नहीं, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए प्रत्येक 6 सालों के बाद चुनाव होता है। एंड द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। भारत का नहीं, मैक्सिको जो है कभी भी किसी डिक्टेटर, किसी तानाशाह या मिलिट्री के शासन के अंतर्गत नहीं गया है। फिर भी उस देश को भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बतला रहा है। क्यों नहीं बतला रहा है? बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज ऑन बाई, प्रत्येक इलेक्शन जो है वहां पर किसके द्वारा जीता जाता है? तो पार्टी कॉल्ड PRI, वहाँ की पार्टी का नेम है, जैसे हम लोग के देश में कांग्रेस है, भाजपा है, उस तरह से वहाँ की पार्टी का नेम है PRI। PRI ही हमेशा जीतती है वहाँ पर इलेक्शन अभी तक। ऑपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ऑपोजिशन यानी विरोधी दल भी है, वो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है, खड़ा होता है, पार्टिसिपेट करता है, बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन वह जीतने में मैनेज जीत नहीं पाता है, वह जीतने के लिए मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गलत तरीके से इलेक्शन को जीतने का प्रयास करती है। PRI वाज द नोन एज द मेनी डर्टी ट्रिक्स। PRI जो है बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को फॉलो करती है टू विन द इलेक्शन। मीडिया भी जो है, मीडिया डोंट सपोर्ट टू अपोजिट पार्टी। एवरी टाइम ही ट्राई टू सपोर्ट द रूलिंग पार्टी, एवरी टाइम क्रिटिसाइज टू अपोजिशन पार्टी, हमेशा अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करती है और रूलिंग पार्टी को इन फेवर करती है। जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर गवर्नमेंट फोर्स करती है, जैसे टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि टीचर्स का, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर फोर्स होता है कि यू हैव टू वोटिंग फॉर द PRI, आपको PRI को ही वोट दिलवाना है या वोट देना है। मीडिया भी देखो, मीडिया भी दिया है कि मीडिया इग्नोर करती है अब द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, वह अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी को इग्नोर करती है, उन्हें नकारती है, उन्हें सहयोग नहीं देती है। एट लास्ट टाइम बूथिंग जो क्या कहा जाता है, पोलिंग बूथ, एट लास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम में जो पोलिंग बूथ होता है, सडनली मे बी चेंज, और कभी भी वो चेंज कर दिया जाता है लास्ट मिनट में, विच मेड इट डिफिकल्ट टू पीपल टू कास्ट देयर वोट, जिससे लोगों को वोटिंग देना पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके आधार पर, इसमें भी 3 या 4 पॉइंट हुआ, इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मैक्सिको में जो सरकार बनती है, बार बार एक ही पार्टी की सरकार बन रही है, चुनाव भी जो हो रहा है फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, मीडिया भी जो है वह फेवरेबल नहीं होती है अपोजिट पार्टी की, क्योंकि किसी भी प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी रियल डेमोक्रेसी है, ऑन दैट प्लेस वन पार्टी कैन नॉट विन द अल्टरनेटिव इलेक्शन, यानी एक पार्टी जो है बार बार किसी चुनाव को नहीं जीत सकती है, एक चुनाव जीती दूसरे चुनाव में उसे हारना ही है। इफ ऑन दैट प्लेस
रियल डेमोक्रेसी इज प्रजेंट, यदि वहाँ पर रियल डेमोक्रेसी प्रजेंट है तो। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीत रही है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। अब नीचे यहाँ पर पढ़ोगे तो क्लियरली बताया है कि ऑन बाय द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल वी कैन सी इन बोथ कंट्री चाइना एंड मैक्सिको देर इज नॉट रियल डेमोक्रेसी। चाइना और मैक्सिको में रियल डेमोक्रेसी प्रेजेंट नहीं है। ए डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ए डेमोक्रेसी जो होना चाहिए बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बेस पर होना चाहिए। दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लॉस इन, और दोज करंटली इन पावर, और जो करंटली पावर में है उनके पास लॉसिंग करने का चांस होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान नहीं कि बार बार वो सही कर रहे हैं और बार बार वो चुनाव जीत रहे हैं। तो जनता दूसरे को जरूर मौका देती है, लेकिन गलत तरीके से एक ही पार्टी बार 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 चुनाव जीतने का प्रयास करती है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि दैट इज नॉट गुड डेमोक्रेसी इन बोथ कंट्रीज। ओके, थैंक्स।